खबर हापुड़ से है, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र के नई आबादी निवासी अमजद सैफी ने गाजियाबाद के आरपी त्यागी और पवन त्यागी व्यापारी के साथ व्यापार किया था। अमजद ने आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त व्यापारी ने उसके साथ धोखाधड़ी कर करीब 1 करोड़ रुपए की बेईमानी कर ली, जिसके बाद हापुड़ निवासी अमजद ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने अमजद के हक में फैसला सुनाते हुए गाजियाबाद निवासी व्यापारी को अमजद के 1 करोड़ रुपए वापस करने के आदेश दिए हैं। अमजद ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक उक्त व्यापारी ने अभी केवल 25 लाख रुपए ही लौटाए हैं। अभी भी वह अपने बाकी 75 लाख रुपए के लिए चक्कर लगाने को मजबूर है। अमजद ने बताया कि जब भी वह अपने रुपए वापस मांगता है उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित अमजद अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन आरोपी उसे पैसे देने को राजी नहीं है। पीड़ित ने आरोपियों पर माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाते हुए मजबूरन आरोपियों के यहां धरना देने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद सैफी है। क्या मामला है आप? और मैं हापुड़ नई आबादी का रहने वाला हूँ। मामला ये है कि गाजियाबाद एसोसिएट मशीनरी के मालिक आरपी त्यागी और पवन त्यागी सर मेरा प्रॉपर्टी में भागीदारी रही, जो हम दोनों ने मिलकर बराबर का पैसा लगाया था। अब मेरा हिसाब किताब होने पर उनका तरफ मेरा 75 लाख रुपए निकले थे और 75 लाख रुपए को उन्होंने मुझे उस टाइम चेक दे दिया और चेक मैंने बैंक में डाला तो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद मैंने माननीय न्यायालय में उसका मुकदमा दर्ज कर दिया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उन पर 75 लाख रुपये के साथ साथ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना करा, ये रहा आदेश मेरे पास माननीय न्यायालय का। उसके बाद मैंने उनसे पैसे का मांगे अपने तो उन्होंने मुझसे न्यायालय के बाहर एक समझौतानामा कर लिया, जिसकी समझौतानामा ये रहा मेरे पास, समझौतानामा कर लिया। समझौते के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे पैसे देने शुरू कर दिए। लगभग ये पैसे की रिसीविंग है सब जो उन्होंने मुझे दिए, बैंक की रिसीविंग भी है, लगभग 26 लाख रुपये उन्होंने मुझे दे दिए। देने के बाद लगभग 68 लाख रुपये उनके निकल रहे हैं और मैं उनसे मांगने जाता हूँ तो मुझे गंदी गंदी गालियाँ धमकी देते हैं जान से मारने की। अभी पीछे मैं गया था 5-11 को, जब उन्होंने मुझे धमकी दी थी जान से मारने की। कुछ लोग हापुड़ भी आकर मुझे धमकी देते हैं जान से मारने की। उन्होंने कहा कि ये मुकदमे वापस ले लो वरना तुझे जान से मार देंगे। मैं उच्च अधिकारियों के पास भी कहा भी गया था अपनी फरियाद लेकर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने ट्वीट पर भी जो है ट्वीट भी किए थे सब अधिकारियों को और बीजेपी के दफ्तरों में भी मैंने ट्वीट किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं ये चाहता हूँ अगर उच्च अधिकारी मेरी इस बात पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं उसकी फैक्ट्री के बाहर अपने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करूँगा। जब तक वो मेरे पैसे नहीं देगा मैं वहाँ से नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।